लाला एवरेज देख रहा 29.5। अब तूने निकाली आज तक ऐसी? हाँ भाई लाला जी। हाँ जी भाई। आप कैसे पैकअप बैठे हो आज गर्मी इतना? एक तो हीटर चला रखा तूने लाला। मेरे को सर्दी लगती थी। है भाई सर्दी कहाँ चल दी है, छोटा छोटा पपी बैठा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब? तो फिलहाल हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है उज्जैन के लिए। हम किसी काम से जा रहे हैं, हमारे को जाना तो इंदौर था, पर इंदौर वाले भाई बोल रहे हैं कि उज्जैन मिल लेते हैं हमारे से, तो अपना महाकाल जी के दर्शन करेंगे एंड अपना काम को निपटा के थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड अपना और कुछ बनाते हैं। दोस्तों इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि महाकाल जी के दर्शन कैसे होते हैं, कैसे वहाँ पे लाइन लगती है, कितनी क्या भीड़ होती है, वो सब हम आपको बताएंगे इसमें। भाई मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, अब फोन अंदर ले जाना बंद हो गया। कब? 20 दिसंबर से महाकाल जी के मंदिर जो परिसर है ना वहाँ ले जा सकते हो, अंदर जहाँ गर्भगृह में फोन ले जाना बंद हो गया। तो कोई नहीं दोस्तों, कार पार्किंग तक का हम आपको नहीं। हाँ बढ़िया, हम महाकाल लोक का दर्शन कराएंगे पूरा बढ़िया तरीके से। और घर ठंड हो रखी है बहुत बढ़िया, बाहर थोड़ी थोड़ी फॉग है, आगे जाके और बढ़िया हो जाएगी। और हम 6:30 बजे यहाँ से निकलती हैं अपने पटौदी से। देख रहा भाई धुंध, देख एक नंबर देवा गुज्जर दिखाऊं और तेरी तो वो देख रहा वहाँ पे देवा गुज्जर बढ़िया मिल रही है। अभी टाइम हमारे को 1 घंटा हो गया, वो चले थोड़ी थोड़ी आती है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, 1.5 घंटे बाद रेस्ट लेते हैं थोड़ा। ना वो तो उधर है सर्विस रेट में, इसे आगे ही ले। दिख तो अपने को बढ़िया हो गया भाई, टाइम हो रहे 7:15। पैच पे आती है अप टू सम मीटर्स। एक तो बैठे भी तो हम छत पे हैं, फायदा यार ऊंची गाड़ी होगा ना, थार हो गई, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी। व्हाइट पट्टी के ऊपर चलती है, बना नहीं रखी हुई है थोड़ी बहुत। पीछे वाला ना बिठा दे, अपने तो चलो रुक जाएगी जैसे तैसे, पीछे वाला ने रोकेगा और हम सिर्फ 4 फुट दूर है पीछे से। ठंड है यार बाहर तो, अभी लाला जैकेट ले ही लूँ मैं, पहन ही लेते हैं भाई जैकेट, ठंड है बहुत। फरमाइश है, ठंड करा दी यार बहुत ज़्यादा मेरे को तो भाई। कॉफ़ी पिला दियो अगर गाड़ी चलवानी है तो, कॉफ़ी पैक कर देना कुछ, कॉफ़ी टाइप भी नहीं, रेड बुल यार भीड़ तो ना, कॉफ़ी भी बढ़िया रहती है अपना, वही लेते हैं दाल और गार्लिक नान वैसे। वाह वाह शरीर और छोरे जैसा, चल दिए भाई अपना लॉन्ग ड्राइविंग का जुगाड़ लेके। अरे सरकार बहुत बहुत धन्यवाद, बस ले भाई ले लाला, रेडी टू गो। तो भाई ड्राइविंग की कमांड तुम्हारे भाई ने संभाल ली है, चले भाई लाला अब सीधा खींच लेते हैं, 9:30 हो गए। चलो जी बोल शंकर भगवान की जय हो। एंड्रॉइड फोन मेरी जेब में, अभी देता हूँ निकल दी है लाला। श्री कृष्ण गोविंद, दीपक हैंडल छेड़ रखा है तूने? टैरिक निचोड़े हैं गैप है। लाला एवरेज देख रहा 29.5। अब तूने निकाली आज तक ऐसी? भाई गाड़ी कौन सी है?
थार ये हरी मारुति की नहीं लगा रखी ना, देख ले तू ऐसे सिस्टम चलाते हैं। अगर मारुति कंपनी वाले देते ना तो ये होता, फिर सबकी में आती हमारे वाली में सबकी में आती फिर। सही बात है, मारुति कंपनी वाले थार देते 29 एवरेज सही। और MM लगवा दूं आगे एस सुजुकी जिम्मी तो ना ले तुम मारुति की बॉडी उसके थार की बॉडी में। बढ़िया भाई देखो 29 की एवरेज होने हो गया भाई अपने को। दीपक 3 घंटे हो गए ना चले हुए, 3 ज्यादा हो गए नहीं, वहां से लास्ट स्टॉप से ना उन्होंने 4 घंटे हो गए चले हुए, और नीचे ही से ऐसी बोल गई भाई बिना रुके हम गाड़ी चला के आ गए अराउंड 51,000। मेरे हिसाब से 170-200 प्लस चली है, 50 की एवरेज निकली है 4 घंटे में, मतलब 1 घंटा 50 किलोमीटर। और ये भाई साहब क्या कर रहे हो आप तब से भाई, तेरी तारीफ करूंगा, ये इतना फोन में लगा हुआ आदमी, मतलब कोई बंदा ट्रिप पे जा रहा है लाइव ही फोन में है यार। नहीं कोई लाइव फोन में है यार, झूठ बोल रहा है ये बंदा, ट्रिप पे जा रहा है, पूरे ट्रिप पे इसने रील्स देखी है भाई, रील्स लेके काम में लग रहा है। ये काम है, काम ही है गरीब आदमी, भगवान ऐसा गरीब हर किसी को बनाए जो थार में अकेला बतरा को स्पॉन्सर करके घुमाने ले जा रहा है। ऐसा नहीं भाई, हम अपने पैसे जाते हैं ठीक है, बेइज्जती मत कराइयो मेरी। यार अभी एक हल्का सा ट्रिप ब्रेक लेते हैं हम, फिलहाल भिलवाड़ा के रास्ते में पहुंचने वाले हैं, भिलवाड़ा आसपास ही होगा पता नहीं कहाँ पे है फिलहाल ही, और 1 बजने वाले हैं उज्जैन में, फिलहाल है अभी 8 घंटे बाकी और ना 7 घंटे, देखो कब तक पहुंचेंगे। शर्म तो ना आ रही होगी अब भी लेटा हुआ हाला ना, ना बाहर देख गर्मी हो रही बहुत ज्यादा जाके, देख 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 पौने 2 हो रहे भाई, खड़ा ले अब तो तेरा भाई सोएगा, आंखें मिच रही है थोड़ी थोड़ी, चला तो नो पर वही है ना, क्यों आंखों को परेशान करूं जब बैठा है चेले मिची थी, फोन में लगा हुआ तेरी मिची थी, मैं सोऊंगा आराम से बेटा, देख बाहर गर्मी है बहुत प्यारी, आ जा आ जा आ जा आ जा आ लाली आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अबे चल मैं सोऊंगा, बस थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ ना यार, फिर मैं चला लेंगे बाद में, अब तू 150 किलोमीटर की ट्रिप मार ले। तो भाई 2:15 हो रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बढ़िया नींद आ रही है, तो चाहे कंसंट्रेट करना अपनी भाई साहब। अरे काली तो ठीक है, कितना बड़ा कप देखे गया देखिए, ये तो कुछ नहीं है, वहाँ चलो उज्जैन में इस इतने छोटे मिलेंगे इतने, तो हम गंदी चीजें पीते नहीं ना, चाय कॉफी पीते हैं, कैफीन पीने चाहिए भाई, नर्व्स को एक्टिव कर देती है, ज्यादा हो गई ना कट जाएगी, तो एवरीथिंग इज इन लिमिट, लिटिल लिटिल पैक, समझते हो ना आप, लेते हो ना सर्दियों में, ये क्या है इसमें निकोटीन, इतना नहीं पता भाई, अनपढ़ है थोड़े, बीटेक बीटेक करी हमने, फर्स्ट डिवीजन एमिटी वाली। भाई 6 बजे चाय के लिए रुके हैं, बीच में एक रेस्टोरेंट था, भाई को नींद आ रही थी, अगर चाय पी लेते हैं, 1.5 घंटा हम पहले रुक चुके हैं, तो 4 बजे रुका था, 5:30 बजे चले थे हम, 1.5 घंटे का नैप ले चुके हैं दोनों, अब गाड़ी में चलाऊंगा, 3 घंटे का स्टिल अभी है, और सीधा कोशिश करते हैं उज्जैन ही अपना नाश्ता करेंगे, वहीं पर होटल लेके पहले नहा दोगे फिर नाश्ता करेंगे, इससे पहले अभी कहीं नहीं रुकते, तो 180 किलोमीटर का रन अप और बच रहा है, ये कवर करते हैं अपना सिंगल, इसमें सीधा जैन दर्शन करते हैं फिर महाराज, देखो पियो दी गड्डी है तेरी क्या काम है ने व्हाट डज इट मीन की गड्डी है, चल भाई इतने छोटे से कप में चाय देते हैं एमपी में, हर जगह राजस्थान टच में भी एमपी एंटर हो गए, तेरा चेक पोस्ट था ना जिसमें, वो शायद एमपी गई था जिसमें तू रुका हुआ था, कोई बंदा अगर बाहर से देखेगा ना गाड़ी के अंदर तो देखना कैसा लगेगा, देखो एक जेट बॉडी लेके जा रहे हैं जैसे, पता नहीं कैसे पड़ा हुआ है लोही ओढ़ के, ठंड का मरीज और वेदर क्या बढ़िया हो रहा है, मजा
से भी सनराइज होएगा और सुबह के बजे हैं 7। बढ़िया 2 घंटे अपना रह रहा है उज्जैन का रास्ता। मेरा पिछले 2 महीने में ये चौथा चक्कर है उज्जैन का, उज्जैन ओमकारेश्वर। एंड मैं पिछले 3 बार किसी कारण व्लॉग बना नहीं पाया, सो अब की बार सोचा टाइम भी है, थोड़ा और कहीं भी घूम लेंगे। महाकाल जी तो वही आएंगे, साथ में काम भी निकल आया था, मगर यार बना लेते हैं अब की बार। तो अब की बार आपको अपनी जर्नी दिखाते हैं। एंड यार थोड़ा नए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो थोड़ा टाइम निकाल के। एंड एक दो वीडियोस देख भी ले करो जब आपको टाइम लगे। एंड सजेशन ज़रूर देना कैसे कुछ हमारे को कंटेंट बनाने चाहिए, कैसे अपग्रेड करने चाहिए। तो धीरे धीरे यार वही आगे बढ़ेंगे। बाकी आज का फिलहाल हमारा यही है, 2 घंटे में हम उज्जैन पहुँच जाएंगे, इसके बाद रेस्ट करते हैं और शाम को देखते हैं। पहले उज्जैन महालोक घुमाएंगे, उज्जैन पूरा अपना क्या बोलते हैं मंदिर का सारा कॉरिडोर, फिर रात की आरती वाले टाइम दर्शन, वो बहुत प्यारे होते हैं ढोल नगाड़ों के साथ। जो मेन 10 बजे आरती होती है रात को, एक तो सुबह भस्म आरती होती है, श्रृंगार तो अपने 3-4 बार होते हैं, सुबह एक भस्म आरती बहुत ज़्यादा उसकी मान्यता मानी जाती है, और एक रात को वो ज़्यादा आनंद वाली होती है। तो अंदर तो शायद फ़ोन बंद कर ही दिया इन्होंने 20 तारीख से, अगर हमारे को चांस मिला ले जाने का तो ले चलेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपको बाहर सारा कॉरिडोर घुमाएंगे। फाइनली हम 9:30 बजे उज्जैन में एंट्री हो चुकी है। एंड मंदिर से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले ही हमने होटल ले लिया, ये कुछ होटल है होटल सोलेचर करके। तो अभी बस यहाँ रेस्ट करेंगे, शाम को निकलेंगे यहाँ से बाहर अपना नहा धो के, फिर सारा कॉरिडोर घूमेंगे, फिर मंदिर देखते हैं बाकी और क्या प्लान बनता है। अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं, अपना रूम में चलते हैं। तो भाई ऐसा कुछ रूम है आज के स्टे के लिए, एंड ये सेक्सी ये कुछ व्यू है। बाकी पूल पार्टी आज होएगी यहाँ पे, आज एक संगीत प्रोग्राम है किसी की, मेहंदी वगैरह है, तो वही सीन है। आप रेस्ट करेंगे फिर नहा धो के शाम को मंदिर की साइड निकलेंगे। बाकी काम जो है हमने बंदे को कल बुला रखा है, कल उससे मिलके सीधा शाम को या आफ्टरनून में जब भी अपने को सूटेबल लगेगा उससे मिलके निकलेंगे सीधा अपने घर के लिए। बाकी और कुछ प्लान बना रास्ते के लिए वो भी देख लेंगे, फ्री है यार कोई काम ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं। बाकी तब तक के लिए टाटा।